Back to Ambition Nursing Classes. In this class we are going to learn about human placenta. So human placenta का हमारा demonstrations आता है practical exams में. So please listen to this class very carefully. So what is human placenta? So human placenta can be described as discoid in shape. जो भी हम अभी बात करें वो term पे बात करें, okay? So it is discoid होता है shape में, as you can see in the picture. Hemochorial, it means it lies in contact with the maternal blood, okay? And deciduous means it has to shed after delivery, okay? These are three are the main characteristics of the human placenta. And it has diameters of 15 to 20 centimeter. यहाँ से अगर आप diameter देखोगे तो it is 15 to 20 centimeter and thickness of about 3 centimeter at its center. जब भी हम thickness देखते हैं तो हम center पे thickness देखें, okay? Maternal side से हम thickness measure करेंगे तो ये कितना होगा, 3 centimeter, okay? And total volume of placenta कितना होता है, 500 ml at term and weight of the placenta is also 500 gram. So usually हमारे placenta के तीन main parts होते हैं, that is maternal surface, fetal surface and umbilical cord, okay? सो नेक्स्ट फर्स्ट हम पढ़ेंगे, जब भी हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं प्लेसेंटा को, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम हमेशा स्टार्ट किससे करते हैं, मेटर्नल सर्फेस से करते हैं, ओके? सो मेटर्नल, दिस इज कॉल्ड मेटर्नल सर्फेस, ओके? दिस इज फॉर्म बाय डेसीडुए बेसेलिस, ऑल्सो कॉल्ड बेसल प्लेट, ठीक है? एज यू कैन सी इट इज डल रेड इन कलर एंड मेटर्नल सर्फेस फॉर्म्स 1/5 ऑफ द प्लेसेंटा एंड हेयर यू कैन सी no membranes and cords are attached to it, okay? So membranes and cords are not attached to maternal surface. और आपको इसमें दिख रहा है ये जो areas हैं हमारे, ये polygonal areas, इनको हम क्या बोलते हैं, lobes, okay? और called as cotyledons. ये lobes है और cotyledons में divided है. So जब भी हम maternal सरफेस का एग्जामिनेशन कर रहे हैं प्लेसेंटा का, सो हमें इसमें ये काउंट करना है कि कितना कॉटिलेडन्स इधर है. सो इट इज़ यूजुअली 16 टू 20 कॉटिलेडन्स होता है इन टर्म प्लेसेंटा एंड इट इज़ नॉर्मल, ठीक है? जब हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं और हमें 16 टू 20 नहीं मिलता, कम मिलता है, हमें देखना है कोई मिसिंग तो नहीं है. अगर मिसिंग है तो हमें मदर के अंदर चेक करना है कि उधर तो कोई नहीं रह गया, ओके? री एक्सप्लोरेशन करेंगे. देन द मेटर्नल सर्फेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा. क्यों? क्योंकि उधर से ही ये मेटर्नल ब्लड के कनेक्ट में होता है और उधर से ही हमारा सारा प्लेसेंटा और मेटर्नल के बीच में सारा न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज सब होता है, ओके? द नेक्स्ट इज द फीटल सर्फेस. जो फीटल सर्फेस हमारा बनता है फॉर्म बाई कोरियोन फ्रोंडोसम, ओके? ऑल्सो कॉल्ड कोरियोनिक प्लेट. एंड जो फीटल सर्फेस है इट फॉर्म्स 4/5 ऑफ प्लेसेंटा. एज मदर कितना कर मदर मेटर्नल सर्फेस कितना करते हैं, 1/5. एज यू कैन सी इन द पिक्चर इट इज शाइनी ग्रे इन कलर, ओके? यही हमारे डिफ्रेंशिएट करता है कि कौन सा मेटर्नल सर्फेस है, कौन सा फीटल सर्फेस है. जो फीटल सर्फेस है वो हमारा शाइनी होता है, ग्रे इन कलर होता है, और जो मेटर्नल सर्फेस होता है वो डल रेड इन कलर होता है. और जो फीटल सर्फेस पे ही हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होता है एंड मेम्ब्रेन्स अटैच होता है, एज यू कैन सी, ओके? नेक्स्ट इज फीटल मेम्ब्रेन्स. हमारे यूजुअल दो फीटल मेम्ब्रेन्स होते हैं, जो आउटर होता है डेट इज आउटर कोरियोनिक एंड इनर एमनियोनिक. जो जब भी हम एग्जामिनेशन करते हैं हमें देखना है कि फुल मेम्ब्रेन्स उस पर है या नहीं है. हाँ, जैसे इसमें देख रहे हैं, जब भी हम ये करेंगे हम अम्बिलिकल कॉर्ड से इसको हैंग करेंगे, ठीक है, हैंग करेंगे प्लेसेंटा को, तो हमें देखना है कि अम्ब्रेला लाइक शेप इसका आना चाहिए एंड हमें मेम्ब्रेन्स को ऑब्जर्व करना है ये फुल है या कोई मेम्ब्रेन्स मदर के अंदर तो नहीं रह गई, ओके? एंड फिर हमें इनको ऑब्जर्व करना है. जो कोरियोनिक होता है वो थिकर देन एमनियोन होता है, फ्राइबल एंड शेगी ऑन बोथ साइड्स, ओके? एंड एमनियोन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट्स इंटरनल सर्फेस इज स्मूथ होता है, ये बहुत ही शाइनी होता है एंड इज इन कॉन्टेक्ट विद लिक्विड एमनाई, ओके? सो हमें लास्ट में क्या करना होता है, हम जो एमनियोन और कोरियोन है उनको पील करना है, ठीक है? ये पील हो जाता है बट कहाँ पे नहीं होगा, एक्सेप्ट द इंसर्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, ओके? द एमनियन कैन बी पील्ड ऑफ फ्रॉम द फीटल सर्फेस ऑफ प्लेसेंटा एक्सेप्ट एट द इंसर्शन, ओके? द नेक्स्ट इज द प्लेसेंटल सर्कुलेशन. नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होता है अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना? तो अम्बिलिकल कॉर्ड में टू अम्बिलिकल आर्टरीज होता है एंड वन अम्बिलिकल वेन. यू हैव टू सी इट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा. हेयर एज यू कैन सी हमारा दो अम्बिलिकल आर्टरीज हैं एंड वन अम्बिलिकल वेन है, ठीक है? ये ऐसे सेम स्ट्रक्चर हमने अम्बिलिकल कॉर्ड में दिखेगा जब आप इसको कट करेंगे, ठीक है? तो ये आपको ऑब्जर्व करना है. देन
यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन हमारा क्या होता है, मदर टू प्लेसेंटा होगा, दो टाइप का सर्कुलेशन होता है. फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन होता है हमारा फीटस टू प्लेसेंटा. ओके, सो हमने अभी पढ़ा अम्बिलिकल वेन क्या करती है, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस. एंड अम्बिलिकल आर्टरी का क्या काम है, कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम फीटस टू प्लेसेंटा. अब जब डिलीवर हो गया बेबी तो उसके बाद अम्बिलिकल वेन किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, इट कन्वर्टेड टू लिगामेंटम टेरस एंड अम्बिलिकल आर्टरी मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट. ओके, और बाकी आपको इसमें क्या ऑब्जर्व करना है, लेंथ ऑब्जर्व करना है अम्बिलिकल कॉर्ड का, देन आपको ऑब्जर्व करने अम्बिलिकल आर्टरीज एंड वेन्स, देन आपको ऑब्जर्व करने ट्रू नॉट या फिर फॉल्स नॉट ऑब्जर्व करने, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे. ओके, देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, इट हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन द मदर एंड द फीटस एज इट ट्रिब्यूट्स टू फॉलोइंग फंक्शन. क्या किस किस में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी में, एक्सक्रेटरी, न्यूट्रिटिव. देन नेक्स्ट हमारा इंडोक्रेन फंक्शंस है, इट सिक्रीट्स बोथ स्टीरॉयड और पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करते हैं विच हेल्प्स इन टू मेंटेन प्रेगनेंसी. नेक्स्ट बैरियर फंक्शन है, कोई भी इन्फेक्शन हमारा मदर से फीटस में ही जाएगा, इट हेल्प्स एंड बैरियर फंक्शन ऑल्सो. देन इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, कुछ इम्यूनोग्लोबिन्स है विच जो हमारा प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, सो ये हमारा इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड. सो अम्बिलिकल कॉर्ड यूजुअली लेंथ, हमें अम्बिलिकल कॉर्ड का जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, लेंथ देखना है ना. यूजुअली 30-100 सेंटीमीटर होता है, एवरेज कितना है 40 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग. ठीक है, एवरेज डायमीटर कितना होता है 1.5 सेंटीमीटर एंड पीएच ऑफ ब्लड इन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज 7.2. ठीक है, इसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यू होता है स्लिपरी, उसको हम बोलते हैं वॉट्स एंड जेली. ओके, सो इफ लेंथ जो है हमारी लेस देन 30 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट कॉर्ड. ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, इजिली ब्रोक हो सकती है, प्रिवेंट्स वर्जन. देन इफ लेंथ अगर मोर देन 100 सेंटीमीटर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग कॉर्ड. ठीक है, तो उसमें लॉन्ग कॉर्ड में क्या हो सकता है, इंक्रीज चांसेस ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी है एंड कॉर्ड एंटेंगलमेंट अराउंड द नेक, नेक के अराउंड आ सकती है लॉन्ग कॉर्ड होगा तो. ओके, सो इसमें और हमें क्या ऑब्जर्व करना, और ऑब्जर्व करना है ट्रू नॉट एंड अ फॉल्स नॉट. ट्रू नॉट हमारी बहुत रेयर होते हैं, इसमें डिफरेंस क्या होता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर इट इज ट्रू नॉट, है ना, मतलब असली में जो नॉट लगाते हैं वैसे वाला नॉट होगा. ठीक है, फॉल्स नॉट की कैसे बनता है, रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वॉट्स एंड जेली और ड्यू टू वायरसेस. इस वाली फोटो में आप देख सकते हैं सेकेंड वाले में, ये हमें नॉट जैसा लग रहा है बट इट इज फॉल्स नॉट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वॉट्स एंड जेली. ओके.